नमस्कार हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेक्स माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 70 का स्वागत है। अब हम नॉर्मल्स के बारे में सीखेंगे और इन्हें माया में एडिट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ये नॉर्मल्स क्या होते हैं। इसके लिए हम पॉलीगॉन में से यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करते हैं। मेक श्योर हमारा वर्क मोड पॉलीगॉन्स में है और यहाँ पे पॉलीगॉन शेल्फ से हमें प्लेन क्रिएट करना है। कीबोर्ड पे 5 की प्रेस कर मैं स्मूथ शेडर एक्टिवेट करता हूँ और डिस्प्ले में से इस प्लेन के फेस नॉर्मल्स ऑन कर देता हूँ। यहाँ फेस नॉर्मल पे क्लिक करें। क्लिक करने बाद हमें पॉलीगॉन में से ये ग्रीन लाइन उभरते हुई नजर आती है। दरअसल एक ग्रीन लाइन हमें पॉलीगॉन नॉर्मल की दिशा दिखा रही है जो ऊपर की तरफ जा रही है। हर एक पॉलीगॉन फेस का अपना एक नॉर्मल रहता है। जैसे हम यहाँ पे एक स्पीयर क्रिएट करते हैं और अब हम इस स्पीयर के फेस नॉर्मल एक्टिवेट करेंगे, इसलिए मैं डिस्प्ले में से यहाँ पे फेस नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। अभी हम पॉलीगॉन के फेस नॉर्मल देख रहे हैं जो बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर हम जूम इन करके ऑब्जेक्ट को अंदर से देखते हैं तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ एक भी नॉर्मल नहीं है। और यहाँ पे और एक बात समझनी जरूरी है कि हमें नॉर्मल्स किस तरह से नजर आ रहे हैं। जैसे इस व्यूपोर्ट में ये ऑब्जेक्ट हमें सॉफ्ट नॉर्मल्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट राउंड है और इसकी राउंडिटी मेंटेन रखने के लिए नॉर्मल्स बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट हो जा रहे हैं। अगर आप चाहो तो इन नॉर्मल्स को हम हार्ड नॉर्मल्स में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए मुझे नॉर्मल में से हार्डन एज पे क्लिक करना है। हार्ड नॉर्मल्स हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे। पत्थर, पर्वत या किसी भी कड़ी चीज को मॉडल आउट करने के लिए हम हार्ड नॉर्मल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ग्रेनाइट और मार्बल जैसे स्मूथ सरफेस पत्थर के लिए हमें वापस सॉफ्टन एज का इस्तेमाल करना है। इन सब चीजों का कैरेक्टर मॉडलिंग पे क्या असर होगा ये जानने के लिए हम कैरेक्टर फेस मॉडल ओपन करते हैं, जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सॉफ्ट सिलेक्टेड अंडरस्कोर जेनरिक हेड डॉट एमवी इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब हम इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करके इसके सॉफ्ट एज नॉर्मल को हार्डन एज नॉर्मल में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ नॉर्मल्स मेनू में से मैं हार्डन एज पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किसी भी प्रकार का चेंज यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नॉर्मल्स लॉक किए गए हैं। तो पहले हम इन्हें अनलॉक कर लेंगे। इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर नॉर्मल में से अनलॉक नॉर्मल्स पे क्लिक करता हूँ। ऐसे करने से जो हमने पहले हार्डन एज की कमांड दे रखी थी उसका असर हम सीधे तौर पे यहाँ पे देख पाते हैं। और आपने गौर किया रहेगा कि ये चेहरा अभी हमें पुतले की तरह नजर आ रहा है और इसका हर एक पॉलीगॉन हम बारकाई से देख पा रहे हैं। अगर हमें इसे वापस ऑर्गेनिक लुक देना है तो नॉर्मल्स में जाके सॉफ्टन एज को एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, अगर हम चाहे तो इस ऑब्जेक्ट के कुछ नॉर्मल्स सॉफ्ट रख सकते हैं और कुछ नॉर्मल्स हार्ड रख सकते हैं। हम हर एक इंडिविजुअल पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर सॉफ्टन एज या हार्डन एज में सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं मार्किंग मेनू से एज मोड सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे लिप्स के पॉलीगॉन सरफेसेस हार्डन एज में चेंज करने हैं। एक सिंगल एज को डबल क्लिक कर मैं यहाँ पे एज की पूरी एज लूप सिलेक्ट करता हूँ। सॉफ्ट सिलेक्शन पहले से एक्टिवेट है तो कीबोर्ड पे बी की प्रेस कर उसे डीएक्टिवेट करते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि अपर लिप से लेके लोअर लिप तक पूरी एज लूप हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है। अब हम नॉर्मल्स में जाके हार्डन एज को एक्टिवेट करते हैं और अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में स्विच हो रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम लिप्स के आजू बाजू एक हार्डनेस देख पा रहे हैं। इसमें लिप्स और बाकी चेहरे के स्किन में एक स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही इस मॉडल का रूप पहले से बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल लग रहा है। इसी प्रकार से हम आंखों पे भी हार्डन एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका वही है, इसके लिए हमें एक एज लूप सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक करें, पूरी की पूरी एज लूप सिलेक्ट हो जाती है। फिर नॉर्मल्स में जाके उन्हें हार्डन एज में चेंज करें और फिर ऑब्जेक्ट मोड में से अपने मॉडल को चेक करें। अब लिप्स के साथ साथ हम आंखों के आजू बाजू भी एक हार्डन एज देख पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लिप्स और आंख की एज हार्डन करने से हमारा चेहरा पहले से काफी निखर रहा है। तो कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हमें किसी स्पेसिफिक एंगल में सॉफ्ट नॉर्मल के जगह हार्ड नॉर्मल चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए हमें नॉर्मल्स में से सेट नॉर्मल एंगल पे क्लिक करना है। अब इस फील्ड में हमें स्मूथिंग एंगल को सेट करना है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 30 है। इस एंगल के ऊपर वाले नॉर्मल्स हार्डन रहेंगे और नीचे वाले नॉर्मल्स सॉफ्टन रहेंगे। मतलब कि यहाँ पे इन दो फेसेस में 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो ऊपर वाला हार्डन रहेगा, नीचे वाला सॉफ्टन रहेगा। अब फेस जैसे सरफेस के लिए हमें यहाँ पे एंगल 45 डिग्री में सेट करना होगा। चलो अप्लाई कर देखते हैं। आप देख सकते हो कि हमें चेहरे पे एक सख्त एज दिखाई दे रही है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, तो इसे थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हम सेट नॉर्मल एंगल में 45 के जगह 60 अप्लाई कर देखते हैं। तो इसे हमें थोड़ा सॉफ्ट और हार्ड मिला जुला लुक अपने कैरेक्टर मॉडल के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप काफी कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
फिलहाल हम अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर स्मूथ नॉर्मल में सेट कर देते हैं। अब इसके नॉर्मल बिल्कुल पहले की तरह सॉफ्ट रेंज में सेट हो चुके हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे एक उदाहरण देने की कोशिश की कि आप नॉर्मल को कैसे सेट या एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कर्व बेसिक्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।